क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी ऑर्डर हमें कितना रखना है, 3/4 का, इसका मतलब एलिमेंट में यही कैलकुलेट करने हैं हमें। ठीक, सेकंड पार्ट, ए आई जे इक्वल्स टू 2i-j। 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a11, 2 × 1 − 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसके बाद नेक्स्ट 1, 2 चाहिए हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 × 1 − j की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो हुआ करता है या हमें चाहिए क्या, 1, 3, 2 × i की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1, और j की वैल्यू 3, तो j की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट a14, 2 × i की वैल्यू 1 माइनस j कितना, 4, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, -2। ठीक, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट कैलकुलेट हो गए। इसके बाद सेकंड रो, सेकंड रो है हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है हमें 2i-j को। नंबर ऑफ एलिमेंट जो चाहिए हमें वो हैं 2, 1 चाहिए, 2, 2, 2, 3 और 2, 4। ठीक है, पहला वाला नंबर i और दूसरा वाला j, 3, 2 × 2 − 2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2, और नेक्स्ट 2 × 2 − 3, दिस इज 1, एंड 2 × 2 − 4, दिस इज 0। ठीक, ये आ जाएगा, ये सेकंड रो के एलिमेंट कैलकुलेट हो गए। सिंपल वाली कैलकुलेशन है, बस वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन आपको पता है, प्लस माइनस करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, a31, a32, a33 और a34। ये a31 कैलकुलेट करेंगे, 3 रखेंगे i की जगह और 1 j, दिस इज 5। नेक्स्ट कैलकुलेट कर लो, क्या आना चाहिए, 2 × 3 − j की जगह 2, ये 4 आ जाएगा, 2 × 3, j की वैल्यू कितनी, 3, इसको सॉल्व करो ये 3 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या चाहिए, 3, 4, 2 × i की जगह 3 और j की जगह 4। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। ठीक, अब इसके बाद एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर लिखने हैं। सबसे पहले हमारे जो आंसर आए थे, पहली रो के आंसर ये हैं, 1, 0, −1 और −2। वन, नेक्स्ट 0, −1, −2। सेकंड रो के जो एलिमेंट हैं वो ये हैं, क्या क्या हैं, 3, 2, 1, 0 और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5, 4, 3 और 2। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने किया था फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट और ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन, दो कंडीशन हुआ करती हैं। पहली कंडीशन ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हम कहेंगे दो मैट्रिक्स ए एंड बी आपस में इक्वल हैं, ए इक्वल्स टू बी। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या पता है, ऑर्डर इसका कितना है, 2/2, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक, और हमें क्या गिवन है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसी हैं,
इक्वल है तो सेकंड कंडीशन अपने आप फॉलो होती होगी, कौन सी, कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में कैसे होते होंगे, इक्वल। ठीक, तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में इक्वल करेंगे तो इसको अगर मैं देखूं तो y किसके इक्वल होगा 4 के, ठीक, z किसके इक्वल होगा 3 के, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। ये देखिए 5 = 5 है वहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर, सेकंड इफ सेम ऑर्डर होना चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल। देन क्या कह सकते हैं हम, ए किसके इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए ए इक्वल है किसके, ये हमें पता है, ठीक, ऑर्डर दोनों का कैसा है सेम, ये भी 2x2 ऑर्डर है, ये भी 2x2 ऑर्डर है, इक्वल है, ऑर्डर सेम है, तो क्या रहा होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल रहे होंगे। ठीक, अच्छा अब इसको सॉल्व कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में इक्वल रख रहा हूँ, x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 6 के। ठीक, और एक और चीज़ मुझे यहीं पर देख कर पता चलती है कि एक्स वाई किसके इक्वल रहा होगा 8 के। यहाँ से y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/x, ये बात आती है समझ में, ये y की वैल्यू 8/x यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक, तो x प्लस 8/x = 6। ठीक, एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम क्या आएगा, x² + 8 = 6, और ये x इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x² + 8 = 6x, और ये 6x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको लिख लेता हूँ x² - 4x - 2x + 8 = 0। ठीक, यहाँ से x कॉमन आएगा, x - 4, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा, तो अंदर आ जाएगा x - 4 = 0। ठीक, स्प्रेड द मिडिल टर्म, सिंपल वाले टर्म है, अब x - 4 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x - 2। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x - 4 = 0 रखने पर x की क्या वैल्यू आएगी, 4, और x - 2 = 0 रखने पर x की क्या वैल्यू आएगी, 2 एंड 2, और यहाँ से y की क्या वैल्यू निकलेगी, y, अगर फॉर x = 4 के लिए y की क्या वैल्यू आएगी, 8/4, y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, फॉर x = 2 के लिए अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 8/2, ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू, तो इसको कंपेयर करा दो, 5 + z किसके इक्वल रहा होगा, 5 के, ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 5 - 5, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये z की वैल्यू है, x की दो वैल्यू है हमारे पास, और उसके करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू है हमारे पास। ठीक, ये आंसर आ जाएगा हमारा, क्या करना है, ये समझ में आ रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कराकर इक्वेशन बन जाती हैं, उन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके वैल्यू निकल जाएंगे। ओके, थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट भी पहले से इक्वल गिवन है, ऑर्डर सेम है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएगी वो है x + y + z = 9। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, x + z = 5।
थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, y प्लस जेड इक्वल्स टू सेवन सेवन। तो इस इक्वेशन में y प्लस जेड की जगह रख देता हूँ मैं सेवन, ठीक। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, नाइन माइनस सेवन, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू। ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, जेड इक्वल्स टू फाइव माइनस टू या जेड इक्वल्स टू आ जाएगा थ्री। अब जेड पता चल गया हमें, ठीक। अगर जेड हमें पता है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, जेड की वैल्यू थ्री, तो ये आ जाएगा सेवन माइनस थ्री कितना फोर, ठीक है। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी फोर, जेड आ जाएगा थ्री और एक्स की वैल्यू टू। कैसे निकाला है, सिंपल, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में इक्वल रखो, इक्वेशन बनती हैं और उनको सिंपल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को लगा दो उसमें इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन दिस। फिर से हमारे पास इक्वालिटी का क्वेश्चन है, क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे, ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, माइनस वन के, एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन निकालनी है हमें, तो वो हमारे पास क्या है, टू ए माइनस बी किसके इक्वल है, ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर सकते हैं, एक इक्वेशन है हमारे पास ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस वन और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2a माइनस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, माइनस वन इक्वल टू जीरो। इन दोनों को आपस में रख लिया एक साथ। अब ये दोनों साइन कैसे हैं हमारे पास, सेम साइन है, तो क्या करेंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा माइनस ए और ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस वन। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ए की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक। ये ए की वैल्यू आप इस इक्वेशन में या इसमें कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ वन पुट कर दिया, ये वन इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सॉल्व करेंगे माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी टू, ठीक। टू ए प्लस सी इक्वल टू कितना फाइव, ए की वैल्यू हमने निकाली है कितनी वन, तो टू इंटू वन प्लस सी इक्वल्स टू फाइव, ये टू इधर आ जाएगा तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी थ्री, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद थ्री सी प्लस डी किसके इक्वल होगा, थर्टीन के इक्वल होगा, ठीक है। सी की वैल्यू हमने निकाल ली, वो हमारे पास थ्री, डी इक्वल्स टू थर्टीन, थ्री थ्री जा नाइन और उधर जाकर माइनस करा दो इसको, तो ये आंसर कितना आ जाएगा फोर। तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू, सी की वैल्यू थ्री और डी की वैल्यू फोर, ये आंसर आ जाएंगे। करने का प्रोसेस फिर से वही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखो, इक्वेशन बनती हैं, उन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करो, वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर एट, कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर कितना है m इंटू एन, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, ठीक। तो इसके लिए हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी वन टू थ्री फोर, ठीक, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो और कॉलम आपस में इक्वल हैं, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, और लिख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये एक मैट्रिक्स लिखी मैंने, ठीक। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं थ्री, कॉलम कितने हैं थ्री, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो क्या कंडीशन होती है, एम मस्ट बी इक्वल्स टू एन, ये हमारा आंसर होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स अभी आपस में इक्वल गिवन नहीं है, ठीक है, उसने कहा है या पूछा है कि x की किस वैल्यू के लिए, x और y की किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वल रखा जा सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने माना कि ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3x plus 7 equals to 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये -7 और ये अपॉन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/3। अच्छा यहाँ से सॉल्व करते हैं, 5 किसके इक्वल होना चाहिए, y माइनस 2 के, 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से और वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, y प्लस 1 किसके इक्वल रहा होगा, 8 के, y प्लस 1 किसके इक्वल, 8 के, तो यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, 8-1, तो y की वैल्यू फिर से देखिए कितनी आई, 7, y 7 ही रहने वाला है, ठीक, अगर y की वैल्यू 7 है। अच्छा अब नेक्स्ट x की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 2-3x किसके इक्वल है, 4 के, इसको सॉल्व करेंगे, 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान दो, ये एक एलिमेंट है, यहाँ पर x लिखा हुआ है और ये यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, x, दोनों जगह फंक्शन कैसे हैं, सेम है, ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यू कैसी आ रही है, अलग अलग, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, वेदर x इक्वल्स टू -7/3 एंड x इक्वल्स टू -2/3, है ना, तो a नॉट इक्वल्स टू क्या b, अगर ये कोई मैट्रिक्स a मान लूँ मैं और ये कोई मैट्रिक्स b मान लूँ तो ये a और b आपस में इक्वल नहीं रखे जा सकते, ठीक है, या मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि x की वहाँ पर एक ही फंक्शन के लिए दो वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स में नहीं हो सकती हैं, ठीक। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक नंबर दिया 1, ठीक, और मैंने आपसे बोला कि इस नंबर को लेकर 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाइए, 1/1 ऑर्डर की, यानी कि मैंने आपसे क्या कहा कि रो कितनी होनी चाहिए और कॉलम कितना, तो आप कितनी आप मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1, रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, बन गई कितनी मैट्रिक्स बनी, एक मैट्रिक्स बन गई, एक, ठीक। अच्छा फिर से मैंने आपको नंबर फिर से क्या दिया है, 1, लेकिन मैंने इस बार बोला है कि आप 2/2 की मैट्रिक्स बनाइए, जितनी आप बना सकते हैं, क्या यूज करना है, केवल 1 यूज करना है, ठीक है, एज यू इस कितनी बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक। तो करते हैं, 2/2 ऑर्डर की बनानी है, 1 1 1 1, बन गया, कितनी मैट्रिक्स बनी, एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है ए, ये एक मैट्रिक्स है ए, क्या 2/2 ऑर्डर की आप 1 1 लेकर और मैट्रिक्स बना सकते हैं, नहीं, अगर आप कैसे भी इसको चेंज करेंगे 2/2 में यही मैट्रिक्स आएगी, तो कितनी मैट्रिक्स बनी, 1, ठीक। इसके आगे देखते हैं, फिर से मैंने आपको नंबर दिया 1 दिया और 2 दिया, ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि इनको लेकर 2/2 की मैट्रिक्स बनाइए, फिर से
वन यूज कर सकते हैं, टू यूज कर सकते हैं, और टू बाई टू की मैट्रिक्स बनानी है आपको। ठीक, ये बात आ रही है समझ में? ठीक, तो इसके लिए या फिर अभी छोटा एक थोड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले टू बाई टू का बाद में लेंगे, पहले हम एक स्मॉल एग्जाम्पल लेते हैं। कितना? वन इंटू टू। ठीक, इस बात का मतलब क्या है देखिए ध्यान से, वन रो और टू कॉलम, ये ठीक। अच्छा, और बन सकता है, और बना सकते हैं क्या? टू रो वन कॉलम, फिर से वन रो हो गया और टू कॉलम हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर जब तुमने एलिमेंट कितना लिया, एलिमेंट कितना? वन। ऑर्डर, ऑर्डर कितना लिया? वन इंटू वन। ठीक, कितनी मैट्रिक्स बनी? एक। ठीक, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, एलिमेंट उसकी पावर क्या? ऑर्डर। तो एलिमेंट कितना? वन, और ऑर्डर कितना? वन इंटू वन। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा सॉल्व होकर? वन। ठीक, फिर से एलिमेंट कितने लिया? वन, और पावर कितनी ली? टू इंटू टू। सॉल्व किया, कितनी मैट्रिक्स आई? वन। ठीक, इस वाले को चेक करो, हमने एलिमेंट कितने लिए? टू। ठीक, और पावर कितनी ली? वन इंटू टू। तो इसका आंसर कितना आएगा? फोर। इसकी और मैट्रिक्स क्या बना सकते हैं हम? वन वन और टू टू। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? और। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इन मैट्रिक्स को या तो हम कैलकुलेशन से करके देखें, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली लिख लिख के देखें कि कितना कितना बनेगा, या हम इसको डायरेक्ट याद कर लें, क्या कि एलिमेंट की पावर क्या कर दी जाए? ऑर्डर। तो उससे क्या निकल जाएंगी? पॉसिबल मैट्रिक्स जितनी बनाई जा सकती हैं। ठीक, हमें कितने नंबर को यूज करना है? जीरो और वन को यूज करना है। ठीक, तो जीरो और वन के लिए देखो, एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? एलिमेंट जो यूज करने हैं हमें, टू। ठीक, ऑर्डर हमारे पास कितना है? थ्री इंटू थ्री का। ठीक, तो पॉसिबल मैट्रिक्स कैसे निकालोगे? पॉसिबल मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होंगी? एलिमेंट, एलिमेंट की पावर क्या? ऑर्डर। एलिमेंट कितने? टू, और ऑर्डर क्या यूज करना है? थ्री इंटू थ्री। ये कितना आएगा? नाइन, और ये आएगा कितना? 512। इतनी मैट्रिक्स पॉसिबल है। ठीक है,